हर खबर की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज। इसका उद्देश्य ये है कि जिस तरह से इंदौर हमेशा सफाई स्वच्छता सभी बात में नंबर वन आ रहा है, उसी प्रकार से हम हमारी संस्था खंडवा की आवाज़ संस्था और भी संस्थाएं सब मिलकर और प्रशासन मिलकर खंडवा को नंबर वन बनाने के लिए स्वच्छता रैली निकाली गई है, ताकि लोगों में जागरूक हो कि गंदगी ना करें, हमारे शहर को सुंदर स्वस्थ और स्वच्छ बनाए। कौन कौन से लोग इसमें शामिल हुए? इसमें लायंस क्लब भी साथ दे रहा है और सिख समाज भी साथ दे रहा है और ईसाई धर्म भी साथ है, मुस्लिम धर्म भी साथ है, यहाँ सभी प्रकार के धर्म है और सभी संस्थाएं, लायंस क्लब है, इनोवेट क्लब है, सभी संस्थाएं साथ दे रही है कि हर मोहल्ले, हर गली, हर दुकानदार से ये आह्वान है कि अपनी शहर को स्वच्छ बनाना है, साफ सुथरा बनाना है। हमारी अपनी सबकी जिम्मेदारी ये है कि हम सब मिलके शहर को सफाई की राह में सबसे अव्वल नंबर पर, हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में खंडवा का नाम सबसे अव्वल नंबर पर रहे। इस्लाम में किस तरह का संदेश है? मज़हब इस्लाम में जो साफ़ सफाई का संदेश है वो हमारा आधा ईमान होता है। अगर हम साफ़ रहे, सुथरे रहे, स्वच्छ रहे, हमारे आसपास कोई गंदगी न फैलने दे, तो वो स्वच्छता का अभियान से ही उसको देखा जाता है, वही हमारा ईमान है। जो कार्य होता है वो स्नान से ही सफाई है। स्नान करने के पहले जैसे व्यक्ति अपने घर को सफा करता है, वैसे ही सबसे पहला धर्म का कार्य है हमारे देश को भी स्वच्छ करना चाहिए। इसी विषय में लेकर आज खंडवा में भी खंडवा हमारा नंबर वन बन सके, इसलिए हम एक स्वच्छता अभियान के तहत यहाँ पर ये रैली निकाली गई है सभी संस्थाओं के द्वारा। ये अपना खंडवा है, ये मेरा खंडवा है, ये स्वच्छ रहे और सुंदर रहे और स्वस्थ रहे। ये खंडवा की आवाज़ संस्था है जिसमें पूरे खंडवा के सभी धर्मों के, सभी समुदाय के और सभी जितने भी सामाजिक संस्था हैं सभी लोग जुड़े हुए हैं। और इसका उद्देश्य ये था कि खंडवा को नंबर वन बनाना है प्रदेश में। जो मुहिम चली नगर निगम द्वारा, बहुत अच्छे प्रयास करे जा रहे हैं। अभी तक जब से हमने जन्म लिया, जब से हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि इतने अच्छे तरीके से कोई प्रयास हो रहा है खंडवा में। चूँकि हमेशा लगा कि खंडवा कुछ अलग दिख रहा है कुछ समय से, तो हम लोगों ने सोचा कि हम भी एक जागरूकता रैली निकालें, लोगों को जागरूक करें कि प्लास्टिक का उपयोग कम करें, गंदगी ना फैलाएं और जो भी नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं डस्टबिन वगैरह उनका ही उपयोग करें। ठीक, सभी जगह के लोग आए थे। उसके अलावा खंडवा में एक राष्ट्रीय स्तर का थाई बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो उसके भी सभी स्टूडेंट लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े हैं। अगर खंडवा के विकास के लिए नगर निगम कुछ कार्य करेगी, स्वच्छता अभियान चलाएगी, तो बिल्कुल हम उसका सपोर्ट करेंगे, हम उनका साथ देंगे। क्योंकि हमारा भी उद्देश्य यही है कि हमारा खंडवा नंबर वन बने, विकास में भी नंबर वन रहे, स्वच्छता में भी नंबर वन रहे, शिक्षा में भी नंबर वन बन रहा है।